Okay, good morning students. In this video we are going to do the chapter the junk seller. It is second part of that chapter, page number 63. Let's start. In a week how much does Kiran earn from one rickshaw? बेटा अब आपको बताना है इसमें कि जो किरण थी वो एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, ठीक है ना, वो रिक्शा से कितना अर्न करती थी। तो अगर हमें ये पता है कि वो 1 डे में कितना अर्न कर रही है तो हम 7 डेज में भी निकाल सकते हैं कि वो कितना अर्न कर रही है। ये हमारे लिए बहुत आसान बात है, ठीक है। आइए नेक्स्ट चीज करते हैं हम, डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर। 2 × 6 ये हमें मेंटली करना है कॉपी में, नहीं तो आप सबको पता ही है कि 2 × 6 = 12 होता है, कोई भी बच्चा बीच में नहीं बोलेगा। अब देखिए बेटा 20 × 6 तो ये भी बहुत आसान है, आप अगर कहीं भी जीरो लगा हुआ है तो आप इसको सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 × 2 = कितना होता है बेटा, 12 होता है, ठीक है, और 1 0 है तो 1 0 लगा देंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर 2 0 होते तो 2 0 लगा देते। इसी तरीके से 20 × 6 करेंगे तो 120 आता है बेटा, और 60 × 2 करेंगे तो भी 120 आता है। कैसे, 2 × 6 कितना होता है, 12 होता है, और मैंने बताया आपको अगर जीरो लगा हुआ है तो 1 0 लगा देंगे, ठीक है बेटा। इसी तरीके से अब हमें ये मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है 42, इसको 42 को ना देखते हुए अगर हम देखें केवल 40, ठीक है ना, तो 40 का अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करें तो 40 का भी अगर हम 3 में नहीं करें, अगर हम 4 का मल्टीप्लाई बेटा किस में करें, केवल और केवल 3 में करें, ठीक है। तो 4 × 3 = कितना होता है, 12 होता है, और 12 और 1 0 है इसलिए 1 0 आएगा, मगर ये हमने 40 का किया। अभी ये 42 था तो ये कितना ज़्यादा था, 2 ज़्यादा था ना बेटा, तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई 3 में और करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आता है, सभी बच्चों को पता है 6 आता है, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो इससे आ जाएगा 126। तो बेटा इसमें हमें मेंटली करना है, पेंसिल कॉपी यूज़ नहीं करना है, समझ में आया, एक और बार समझाता हूँ। जैसे 3 का मल्टीप्लाई 42 में करना है तो हमने देखा अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई 40 में करूं, 3 का मल्टीप्लाई 40 में भी नहीं करेंगे, हम करेंगे 3 का मल्टीप्लाई केवल और केवल 4 में, तो 3 × 4 = कितना होता है बेटा, 12 होता है, और 1 0 लगा हुआ है तो 1 0 आ जाएगा, तो वो 120 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी वहां पर 2 एक्स्ट्रा है तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में भी करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 120 और 6 दैट इज 126। लाइक दिस यू हैव टू डू, यू आर नॉट सपोज टू यूज पेंसिल, ओके। सेम वे इधर भी करेंगे बेटा, 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, ये सबको पता है 8 × 4 = कितना होता है, 32 होता है बेटा, तो ये आपका 32 हो जाएगा, और 1 0 लगा हुआ है इसलिए 1 0 भी लगा देंगे। इसी तरीके से बेटा 4 का मल्टीप्लाई 81 में करना है, तो आप सिंपली ऐसे करिए 80 का मल्टीप्लाई 4 में करिए, बहुत आसान है, ठीक है बेटा। तो 80, अब 80 का भी मत करिए, 8 का करिए, 8 × 4 = कितना होता है, 32 होता है, ठीक है बेटा, और 1 0 है तो 1 0 लगा दिया, मगर 80 का नहीं करना, 81 का करना है। तो 80 से 81 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो जो बचा हुआ नंबर है उसका भी मल्टीप्लाई 4 में करना है, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 324, ये हो गया 324, ठीक है। लाइक दिस यू हैव टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 का मल्टीप्लाई 25 में करना है, तो 25 में ना करते हुए 9 का मल्टीप्लाई अगर हम 20 में करेंगे बेटा, तो ये क्या हो गया, 9 का मल्टीप्लाई अगर हमने इसमें कर दिया तो 9 × 2 = 18 हो गया, और 18 और 1 0 तो ये हो गया 180। अभी ये 20 से 25 कितना ज़्यादा है बेटा, 5 ज़्यादा है, तो 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 9 में करेंगे, तो 5 × 9 = कितना होता है, 45 होता है, तो इसमें 45 भी ऐड करना पड़ेगा, तो 180 में 45 ऐड किया तो बेटा ये कितना हो गया, 225। तो मैंने इतने क्वेश्चन कर दिए, दिस इज़ योर होमवर्क। ये आप सभी बच्चे मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे, जब ये वीडियो पोस्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं सर। I have my own small junk shop, मेरी क्या है, अपनी एक खुद की कबाड़े की दुकान है।
आई बाय जंक फ्रॉम द जंक कलेक्टर्स, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करती हूँ अपने कबाड़ा खरीदती हूँ कहाँ से, कबाड़े वालों से. दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड ब्रिंग जंक ऑन हैंड कार्ट्स, आई देन सेल इट एट द बिग शॉप. वो क्या करते हैं, एक घर से दूसरे घर जाते हैं, वहाँ से कबाड़ा लेके आते हैं हैंड कार्ट पे. हैंड कार्ट होता है एक हाथ से चलाने वाली गाड़ी. I then sell it at the big shop. और वो जो पूरा कबाड़ा मेरे पास आ जाता है, मैं उस पूरे कबाड़े को लेके क्या करता हूँ, बड़ी दुकान पे बेचता हूँ. How much to pay for this junk? हमें कितना पे करना पड़ेगा इस कबाड़े के लिए. किरण has bought some junk from junk collector. किरण क्या करके लेके आती है, कुछ जंक मतलब कुछ कबाड़ा कबाड़े वालों से लेके आती है. लुक एट द नेक्स्ट पेज, द रेट लिस्ट टू सी टुडेज रेट. नेक्स्ट पेज पर बेटा रेट लिस्ट भी दे रखी है, कितना कबाड़ा कितने रुपए का आया, वो भी करेंगे. हेल्प किरण टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द जंक, ठीक है ना, हमें उसकी मदद करनी है उसके जो उसने कबाड़े खरीदे उनके रेट्स निकालने में. तो अब हमें सब बच्चों को आगे रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं. बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है वो ऑफ कर लीजिए, वरना मैं क्लास में से रिमूव कर दूंगा अभी, ठीक है. हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर. अब किरण 31 kg न्यूज़पेपर का कितना पैसा देगी. अगर मुझे 1 kg न्यूज़पेपर का कॉस्ट पता है, 1 kg न्यूज़पेपर कितने रुपए का आ रहा है, तो आई कैन ईजिली फाइंड द रेट ऑफ द 31 kg ऑफ न्यूज़पेपर ऑल्सो. तो 1 kg न्यूज़पेपर बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है 1 kg न्यूज़पेपर 5 rupees का आता है. तो 30 kg कितने का आएगा, मैंने जैसे आपको पुराने क्वेश्चंस में समझाया था 30 kg कितने का आएगा, 30 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे. 30 का भी मत करिए, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करिए. 3 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 15 हो गया, और एक जीरो है तो एक जीरो लगा दिया, तो ये हो गया 150. ठीक है बेटा, ये तो 30 का आया है. अभी हमें 31 का 1 kg का और निकालना है. तो 1 kg का कितना है बेटा, 5 kg है. तो ये इसमें 5 और ऐड कर देंगे तो ये 155 आ जाएगा. 155. How much will Kiran pay for 31 kg newspaper? This exercise encourages children to use different strategies other than the standard algorithm for doing multiplication. Rate list. How much will Kiran pay for 42 kg newspaper? अब आपको बताना है 42 kg न्यूज़पेपर का किरण को कितना देना पड़ेगा. तो यहाँ पर न्यूज़पेपर का रेट लिखा हुआ है बेटा, 42 का कितना हो जाएगा, आप ऐसे निकाल सकते हैं 40 का मल्टीप्लाई 5 में करके देख लीजिए. तो 5 4 का कितना होता है, 20 हो गया, और एक जीरो है तो एक जीरो लगा दिया. अब ये देखिए, हमें तो 42 का निकालना था तो 2 kg का और निकालना है. तो 2 kg का, 1 kg का 5 है तो 2 kg का 10 हो जाएगा. तो 10 इसमें ऐड कर दीजिए बेटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 210 हो जाएगा. इस तरीके से बेटा ये मैंने कर दिया, 210 आ गया इसका आंसर. सभी बच्चे 22 kg ऑफ प्लास्टिक का आंसर निकालेंगे, 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर का निकालेंगे, 12 kg ऑफ आयरन का निकालेंगे. कैसे निकालना है ये दोबारा बता देता हूँ. जैसे 12 kg आयरन का निकालना है, तो बच्चों आपको 1 kg आयरन की कॉस्ट पता होनी चाहिए. 1 kg आयरन की कॉस्ट गिवन है 12 rupees, तो 12 का मल्टीप्लाई 12 में कर देंगे लाइक दिस. अब आपसे पूछा जाए 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर बताइए. 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर बताने के लिए बहुत आसान है, 1 kg वेस्ट पेपर आपको पता होना चाहिए कितने का आ रहा है. 1 kg वेस्ट पेपर आ रहा है बेटा 4 rupees का, तो 4 का मल्टीप्लाई 23 में हो जाएगा. अब आपसे पूछा जाए 22 kg ऑफ प्लास्टिक बताइए. 22 kg ऑफ प्लास्टिक बताने के लिए 1 kg प्लास्टिक की कॉस्ट पता है 10, तो 22 की कितनी हो जाएगी, 22 मल्टीप्लाई 10, दैट इज 220 rupees. तो लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस. आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट. इट इज़ वेरी वेरी इजी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे.